तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपको अपना फैक्ट सीओ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो ना तो किसी कार्टून के ऊपर होने वाली है, ना ही एनिमे के ऊपर, ना ही मूवी के ऊपर, ना ही किसी सुपर हीरो। आज की वीडियो होने वाली है कुछ अमेजिंग थ्योरीज को लेके। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं नहीं जानता कि जो ये थ्योरीज हैं ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं नहीं करती हैं, या इनका कोई रियल लाइफ से लिंक है या नहीं है। मैंने जहाँ तक चीज़ें इसके बारे में सुनी हैं या थोड़ा पढ़ा है इसके बारे में, या जहाँ तक मेरी इमेजिनेशन जा सकती है, मैं उन सबसे एक अंदाजा लगा के इन थ्योरीज को आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो शुरू करते हैं। सो जो पहली थ्योरी है वो हमारी इमेजिनेशन और पहले यूनिवर्स के कनेक्शन के ऊपर होने वाली है। मतलब कि जैसे कि मान लो कि इंसान है, उसकी इमेजिनेशन जो है काफ़ी दूर तक जा सकती है। मतलब सोच रहा है कि मैं काश अमीर होता, या मैं फेमस होता, या काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता, या कुछ और, जहाँ तक भी उसकी इमेजिनेशन जा सकती है। तो अगर क्या होगा, मैं आपसे ये कह दूँ कि जो जहाँ तक वो सोच रहा है, जहाँ तक उसकी इमेजिनेशन जा सकती है, वो सारी पॉसिबिलिटीज जो है सच हो सकती है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर सकती है, मगर इस यूनिवर्स में नहीं, पैरेलल यूनिवर्स में। तो जिनको नहीं पता कि पैरेलल यूनिवर्स होता है क्या है, कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो हमारा यूनिवर्स है उसी के पैरेलल में, मतलब उसके साथ में ही काफ़ी यूनिवर्स चल रहे होते हैं, मतलब डायमेंशन समझ लेते हैं चल रहे होते हैं। तो उसमें हो सकता है, बहुत सारे होते हैं, गिनती नहीं है कोई। तो उसमें हो सकता है कि ये बंदा जो है एक में यूनिवर्स में अमीर हो, एक में हो सकता है गरीब हो, या फिर हो सकता है एक में मर चुका हो, या एक में फेमस हो। जहाँ तक भी उस बंदे की पॉसिबिलिटी जा सकती है, मतलब इमेजिनेशन जा सकती है, वो सारी पॉसिबिलिटी जो है वो सच हो सकती है। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है मेरे पास। तो पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ऐसा ही है। सो जो दूसरी थ्योरी है वो कैट एक्सपेरिमेंट वाली है। मतलब कि यूट्यूब पे आपने देखा भी होगा, मैंने भी देखी थी। तो ये जो साइंटिस्ट है उसका नाम श्रोडिंगर करके था, उसके ऊपर ही नाम के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया कि श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। सो जो एक्सपेरिमेंट है ये कभी परफॉर्म हुआ ही नहीं है, ये उस साइंटिस्ट की इमेजिनेशन ही है। तो इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है कि एक हम बॉक्स लेते हैं, उसमें हमने एक बम फिट किया, उसी में हमने एक बिल्ली को बिठाया और बॉक्स को बंद कर दिया। तो अब काफ़ी पॉसिबिलिटीज होती हैं इसको लेके। जो पहली पॉसिबिलिटी है वो ये है कि बम फट गया है, बिल्ली मर चुकी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बम नहीं फटा है, बिल्ली जिंदा है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि बम फट गया है, बिल्ली फिर भी जिंदा है। और चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि बम नहीं फटा है और बिल्ली फिर भी मर गई है। और जो पांच पॉसिबिलिटी मुझे लगता है जो हो सकती है वो ये है कि जो है बम फट भी चुका है और नहीं भी फटा है, और बिल्ली मर भी चुकी है और उस टाइम पे वो बिल्ली जिंदा भी है। जो ये पांच पॉसिबिलिटी है, ये पहली पॉसिबिलिटी और दूसरी पॉसिबिलिटी के बीच में लाइक करती है। जो पहली पॉसिबिलिटी थी वो ये थी कि जो बिल्ली बम फट चुका है, बिल्ली मर गई है। दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि जो है बम नहीं फटा है, बिल्ली जिंदा है। तो जो पांच पॉसिबिलिटी इन दोनों के बीच में लाई करती है कि बम फट भी गया, बम नहीं भी फटा है, और बिल्ली जिंदा भी है, और बिल्ली उस टाइम पे मर भी चुकी है। तो इस थ्योरी या इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है यही हो सकता है, इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आपको लगता हो कि कुछ और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो जो तीसरी थ्योरी है वो क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है कि जैसे कि एक रूम है, उसमें हमने एक स्मार्टफोन रखा हुआ है, अगर उसे कोई स्मार्टफोन को कोई देखने वाला ना हो, मतलब ऑब्जर्व करने वाला ना हो, तो वो स्मार्टफोन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब कि जैसे कि एक आदमी खड़ा रूम में, वो उस फोन को देख रहा है, तो उसके लिए वो फोन जो है एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो इंसान वहाँ चला जाए, मतलब उस रूम में कोई भी ना हो, तो वो स्मार्टफोन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्वांटम फिजिक्स से, मतलब क्वांटम फिजिक्स में ऐसा है। तो जब तक हम किसी चीज़ को, मतलब कोई जो चीज़ है उसे कोई ऑब्जर्व करने वाला या देखने वाला ना हो, तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इस थ्योरी के हिसाब से बस इतना ही, और आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई अलग थ्योरी जो आप चाहते हैं बताना वो कमेंट करना ना भूले। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो तब तक के लिए सी यू गाइस।